जाओ। केवल आंख के इशारे से राम जी ने इशारा किया, से नहीं रघुपति लखन निवारे, से नहीं रघुपति लखन निवारे, से नहीं रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत निकट सरकार ने इशारा किया, लक्ष्मण जी शांत होकर बैठ गए। उस समय विश्वामित्र जी ने मुहूर्त का विचार किया, और वास्तव में बिना मुहूर्त के कोई काम नहीं करना चाहिए। विश्वामित्र को क्रोध आ गया, क्या कहते हो हमारे चेले के रहते कोई धनुष नहीं तोड़ सकता, जहां मेरा चेला हो। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह मैं वाणी। विश्वामित्र जी ने जब समय को देख लिया कि समय शुभ है, शुभ नक्षत्र है, आज कह दिया विश्वामित्र जी महाराज ने, बोले विश्वामित्र जी महाराज की जय हो। उठाओ राम, उठाओ राम, भंज हो भौजाबा, मध्यतन तो परे घुंगन धुन घोर कठोरा, ही छन राम मध्यतन तो परे घुंगन धुन घोर कठोरा। महिदारे देखे लोग
सुख सब है सुखा मुदित कहीं जहे कहे नरना हर जगह नर नारी एक ही चर्चा कर रहे हैं कि भंज हो राम संबोधन बोले मिथिला नरेश की जय हो। बड़ा अद्भुत सुखद महोत्सव चल रहा है। क्या चल रहा है? अगले ही क्षण सतानंद जी महाराज ने सीता मैया को आज्ञा दी, बेटी जाओ माला पहनाओ। और सीता मैया प्रभु के सामने आ रही है। ध्यान रखना भैया पुरुषोत्तम, ध्यान रखना गांव में सभी लोग सही जब माता जानकी जी आई तो वैसे कुछ ठाकुर जी बड़े हैं, कुछ सखियां बोली सीता जी की एक काम करो झुक जाओ। राघव सरकार बोले नहीं, रघुवंशी है झुकते थोड़ी है। बड़ी सुंदर पंक्तियां गाई के झुक जइयो तनक रघुबी ए झुक जइयो झुक जइयो ललन एक बार किशोरी मोरी छोटी है। दशरथ के लाला विनय दशरथ के लाला विनय दशरथ जू के लाला सुनियो विनय दशरथ जू के लाला पहरो आज विजय श्री माला पहरो आज विजय श्री माला आज विजय श्री माला पहरो आज विजय श्री माला हम गावे मंगलाचार ओ हम गावे मंगला
किशोरी मोरी।